बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो कि मुलाजमीन की पे में से काटी जाती है और ये रिटायरमेंट तक लाखों के हिसाब में जमा होती रहती है, लेकिन किन सूबों के मुलाजमीन को ये रकम रिटायरमेंट के वक्त मिलती है और कौन से सूबे हैं और किन सूबों के मुलाजमीन हैं जो कि अभी तक इन रकम से महरूम रहते हैं और किन सूरतों में पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन ये रकम हासिल कर सकते हैं या उनको ये रकम मिलती है। हैरान कुन हकायक हैं, जानकर आप भी हैरान होंगे। चैनल में अगर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दो सूबों के मुलाजमीन जो के सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं उनको रिटायरमेंट के वक्त ये रकम दी जाती है। उन दो सूबों में एक सूबा बलूचिस्तान है और दूसरा सूबा केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा है। सूबा पंजाब में इस पर नोटिफिकेशन हो गया है, यानी इस पे कोर्ट केस आ गया है और अभी तक उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, यानी 2021 या 22 में इस पे नोटिफिकेशन हो गया था लेकिन अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ है। सूबा पंजाब और वफाक में इस बारे कोई नोटिफिकेशन भी हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किया गया। केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं, उन पे अमल दरामद होना बाकी है और एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है उस पे भी अमल दरामद होना बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इकरार दिया है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम है वो मुलाजमीन का हक है, मुलाजमीन को दी जानी चाहिए। मुलाजमीन के विसाल की सूरत में ये रकम पूरी फैमिली को मिलती है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।